अगली खबर धनबाद से है। बता दें आपको कि हथियार के बल पर दिन दहाड़े ये घटना को अंजाम दिया गया है। धनबाद की यह खबर आपको दिखा रहे हैं। तो दिन दहाड़े 1,58,000 की लूट हुई है। धनबाद कोयलांचल से यह खबर। फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट से लूट की गई है। उटकी भागा बांध रेलवे फाटक के समीप हुई है यह लूट की घटना। तो हथियार के बल पर दिन दहाड़े 1,58,000 की लूट फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट से हुई है। पुटकी भागा बांध रेलवे फाटक के नजदीक इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अपराधी फरार हो गए हैं। 3 की संख्या में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट से यह लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि मौका से जो अपराधी है वो फरार होने में कामयाब हुए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वारदात के बाद जो अपराधी है वो फरार हो गए हैं। 3 की संख्या में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। धनबाद से यह खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हथियार के बल पर दिन दहाड़े 1,58,000 की लूट की घटना को अंजाम अपराधियों ने दिया है और लूटपाट हुई है फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट से। यह पूरा मामला पुटकी भागा बांध रेलवे फाटक के नजदीक घटी है। तो रिकवरी एजेंट से 1,58,000 रुपए की लूट हुई है। धनबाद की यह खबर इस समय की ब्रेकिंग खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अपराधी जो है वो भागने में कामयाब रहे हैं। ज्यादा जानकारी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर बासुकीनाथ है। जानना चाहेंगे, एक रिकवरी एजेंट से 1,58,000 रुपए की लूट की कि घटना को अंजाम दिया गया है और बताया जाता है कि अपराधी फरार हो गए, जानकारी दे। मैं आपको बता दूं कि आज भागा बांध रेलवे फाटक के समीप बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर उज्जीवन फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट तनोज कुमार हरी से 1,58,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। इसके बाद रिकवरी एजेंट ने घटना की जानकारी भागावान ओपी को दी। भागावान पुलिस ने घटना स्थल पर जाकर अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही। नहीं, जानना तो ये भी चाहेंगे कि अपराध में क्या इस समय जिस तरह से अब लूटपाट की घटना दिन दहाड़े हो रही है, अपराध पे लगाम लगाना कितना मुश्किल हो रहा है वहाँ पे। बिल्कुल, एक घटना बहुत बड़ी घटना है जो दिन दहाड़े एक रिकवरी एजेंट के साथ मतलब लूटपाट की घटना हो जाती है और पुलिस का कहीं पता नहीं रहता है। रिकवरी एजेंट का कहना है कि वो मतलब कि वो पैसे जो थे फाइनेंस के पैसे वो जमा करने के लिए सराय ढेला जा रहे थे, मगर रास्ते में ही अपराधियों ने घात लगाए। अपराधियों ने जो 3 की संख्या में आए थे उन्होंने इनसे मतलब कि हथियार के बल पे इसे लूटपाट करके सीधे फरार हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ धनबाद से बासुकीनाथ जुड़े थे और बता रहे थे किस तरह से वहां पर अपराधी बेलगाम कितने हो गए हैं कि दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं और इसी तहत एक रिकवरी एजेंट से 1,58,000 रुपए की लूट इन लोगों ने कर ली। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और अपराधियों की खोजबीन जारी है। तो इस समय की बड़ी खबर आपको धनबाद से दिखा रहे थे, जहां पर एक रिकवरी एजेंट से 1,58,000 रुपए की लूट अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। तो लगातार हम आपको खबरें अपडेट कराते रहते हैं। धनबाद की यह खबर है और कहीं ना कहीं अपराधी बेलगाम होकर कितने हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। बढ़ेंगे हजारीबाग की खबर। हजारीबाग में नाबालिग युवती को जबरदस्ती एसिड पिलाए जाने का मामला हाई कोर्ट में आया है। पुलिस की धीमी जांच पर जताई है हाई कोर्ट नाराजगी, जताया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, और पुलिस कार्रवाई से अवगत कराने को कहा गया। अगली सुनवाई में अनुसंधानकर्ता को वीसी के माध्यम से उपस्थित रहने का आदेश भी दिया गया है। तो हाईकोर्ट ने हजारीबाग पुलिस को धीमी रफ्तार कार्रवाई हो रही है जिस तरह से, उस पर नाराजगी हाईकोर्ट ने जताया है। अगली सुनवाई में अनुसंधानकर्ताओं को वीसी के माध्यम से उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं।
तो हजारीबाग नाबालिग युवती को जबरदस्ती एसिड पिलाए जाने का ये मामला है। तो हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे संवाददाता अजय लाल जानना चाहेंगे, अब हाईकोर्ट ने हजारीबाग पुलिस से धीमी रफ्तार पर हाईकोर्ट ने कहा है कि वो जल्दी जांच उपलब्ध कराए। ये पूरा मामला जो नाबालिग के साथ, बता दें आपको कि ये पूरा मामला नाबालिग के साथ एसिड पिलाए जाने का है, जानकारी चाहेंगे आपसे। इस मामले में हाईकोर्ट ने न सिर्फ स्वतः संज्ञान लिया है बल्कि आज जब इस मामले में सुनवाई हो रही थी तो हाईकोर्ट का रवैया बेहद ही सख्त था और उन्होंने पुलिस की धीमी जांच और सही दिशा में कार्रवाई न करने पर भी नाराजगी जताई है। साथ ही कहा है कि इस मामले की जांच सही तरीके से हो, कौन कौन लोग दोषी हैं। लिहाजा अगली सुनवाई में माननीय हाईकोर्ट ने कहा है इस केस का जो अनुसंधान करता है, जिसके जिम्मे यह जांच है, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहने का आदेश माननीय हाईकोर्ट ने दिया है। लिहाजा यह मानकर चलना चाहिए किसान की इस मामले में हजारीबाग की पुलिस जितनी सुस्त रवैया अपना रही थी उस पे एक प्रकार से चाबुक चला है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी। कई ऐसे लोग अब भी गिरफ्त से बाहर हैं जिसने नाबालिग युवती के साथ न सिर्फ दरिंदगी की बल्कि मानवता की सीमा को भी लांघ दिया था। किसान जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ी खबर रही थी जब एक नाबालिग युवती को एसिड पिलाया गया था। हालांकि अब हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वो जल्द से जल्द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे मामले पर आगे बढ़े, क्योंकि रफ्तार काफी धीमी चल रही थी इस केस में पुलिस की। तो हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई से इस पूरे मामले पर अवगत कराने को कहा है।